रायगढ़ लोकसभा में राधे श्याम राठिया जी का बहुत भारी मतों से विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शानदार लीड के कारण और रायगढ़ लोकसभा का ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। जैसे अभी जशपुर जिले से हम लोग का 80,000 से ज़्यादा का लीड रायगढ़ लोकसभा में मिला है और हमारा जशपुर जिला ही है जिसके कारण बढ़ोतरी मिलती है और रायगढ़ लोकसभा में भाजपा को हम लोग को जीत मिलती है। दिन के 3 बज रहे हैं और जशपुर जिला का मतगणना समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, सारे लोग जाते हुए और यहाँ का 3 बजे की स्थिति में यहाँ का माहौल दिखाना चाहूँगा मैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी हैं। तो हम रायगढ़ लोकसभा के बारे में जानेंगे। रायगढ़ लोकसभा में प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है, तो इस संबंध में हम सौर्य बाबा से जानेंगे। जी बाबा, कैसे रहा रायगढ़ लोकसभा, बहुत वोट मिले हैं इस बार? देखिए, रायगढ़ लोकसभा से लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतते हुए आई है। जैसे अभी जशपुर ज़िले से हम लोग का 80,000 से ज़्यादा का लीड रायगढ़ लोकसभा में मिला है और हमारा जशपुर जिला ही है जिसके कारण बढ़ोतरी मिलती है और रायगढ़ लोकसभा में भाजपा को हम लोग को जीत मिलती है। और इससे पहले गोमती साय जी पिछले बार इतना कठिन परिश्रम करके निकाली थी इस सीट को, उससे पहले हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी 4 बार वहाँ से प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। तो लगातार हम रायगढ़ लोकसभा सीट में जीतते आए हैं और इस बार भी हमारे आदरणीय राधे श्याम राठिया जी भारी बहुमत से रायगढ़ से जीत करके उनको दिल्ली भेजेंगे हम लोग जी। और मोदी जी की फिर से सरकार बन रही है, मतलब? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो चुनाव से पहले भी हम लोग सब कोई जानते थे और कहते थे कि भारत में फिर से कमल का फूल खिलेगा और फिर इस बार मोदी सरकार तीसरे बार बनेगी। जशपुर में क्या नया दिखेगा इस बार फिर से सरकार बनेगी? तो देखिए, 2018 में कांग्रेस का सरकार जब आया तो हम लोग जशपुर कुनकुरी पत्थल गांव नहीं 2018 में कांग्रेस का सरकार जब आया प्रदेश में, भूपेश बघेल का, तो उन्होंने 36 वादे किए, ठगने का काम किया, बहुत अत्याचार हुआ, बहुत जो वादा खिलाफी उन्होंने किया। उसके बाद में जनता समझ गई थी और जशपुर और कुनकुरी और पत्थलगांव भी हम लोग पिछले बार विधानसभा में हार गए थे, तो इस बार जैसा आपने देखा कि जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव तीनों में भाजपा ने हम लोग ने जीत दर्ज किया और हमारे गृह जिले के मुख्यमंत्री भी बने, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं विधानसभा चुनाव समय ही बोला था कि मेरे लिए बहुत ही गर्व का बात है, गौरव का बात है कि मेरे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहते हुए ऐसा युवा मोर्चा के परिश्रम से, उनके मेहनत से हम लोगों ने तीनों विधानसभा सीट जीता और जो परंपरागत रायगढ़ लोकसभा सीट में भाजपा जीतते आई है, इस बार भी हम उसी ओर अग्रसर हैं और देश में भी हम अच्छे बहुमत के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और पुनः भारत देश को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होंगे जी। ये थे हमारे जशपुर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा सौर्य प्रताप सिंह जुदेव जी। जुदेव जी का कहना है कि इस बार भी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी जी। सो फ्रेंड्स, जशपुर में मतगणना खत्म हो चुकी है और दोपहर के 3 बज चुके हैं। यहाँ पे हैं अभिषेक मिश्रा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री जी। अभिषेक जी, क्या लगता है, यहाँ से तो जीत हुई है बीजेपी की और बाकी जगह का क्या लगता है? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का भी मेहनत रहा है। और आज जैसा कि आज हम लोग रायगढ़ लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाजपा के राधे श्याम राठिया जी का जीत तय हो चुका है और जशपुर ज़िले से लगभग 80,000 मत से हम लोग लीड में हैं जी। और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, किस टाइप से दिख रहा है? देखिए, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है और छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में चुनाव हुए और 11 लोकसभा हम लोग चुनाव सीट छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। 11 सीट आने की उम्मीद है, मतलब 11 तय है जी। ये थे अभिषेक मिश्रा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा महामंत्री।
सो फ्रेंड्स, इस वक्त हूँ मैं जसपुर के बस स्टैंड में और रायगढ़ लोकसभा का क्या नतीजा तो आप देख ही रहे होंगे। जसपुर के बस स्टैंड में क्या माहौल है हम जानते हैं कृष्णा कुमार राजी से। तो किस टाइप से खुशियाँ बढ़ रही है, पूरे लड्डू बढ़ रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है अभी? जसपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी के शानदार लीड के कारण और रायगढ़ लोकसभा का ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं जी। तो सरकार बन रही है बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है जी। धन्यवाद थे कृष्ण कुमार राय जी। और कुछ कार्यकर्ताओं से जानेंगे। यहाँ पे कृपा शंकर भगत जी है, तो हम कृपा शंकर भगत जी से जानेंगे जी। जी भैया, भैया के कृष्णा भैया के हाथ से लड्डू मिल रहा है और सब लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है और हम लोग बहुत खुश हैं। जसपुर में बम बम माहौल है। धन्यवाद। और यहाँ पे अभिषेक मिश्रा जी भी है जी, और भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जी। और भाई क्या कहना है, किस टाइप से माहौल है? बहुत माहौल बहुत अच्छा है और भाजपा की सरकार बनेगी हर हाल में जी। और हम लोग 295 सीट आई है बीजेपी और गठबंधन के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है अच्छे वोटों से। नगर पालिका उपाध्यक्ष राजू गुप्ता जी। जी राजू गुप्ता जी, बहुत लड्डू बट रहे हैं, पूरा प्रचंड बहुमत मिली है रायगढ़ से। आज बहुत खुशी का माहौल है, आज हमने एकदम प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। जसपुर जिला भी अपना पूरा का पूरा योगदान देकर सर्वाधिक मतों से हमने विजय श्री हासिल कराया है हमारे प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठौर जी को। आज बहुत खुशी की बात है और हमारे मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है तीसरी बार। इस खुशी में हमने जगह जगह लड्डू बांटे, पूरे जनता को शहरवासियों का मुँह मीठा कराया जा रहा है। आज बहुत खुशी की दिन है और इस प्रचंड बहुमत के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना विश्वास फिर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर दिखाया। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह जीत 77 साल के जो कोरा पन्ना माना जाएगा, जिस पर इतिहास लिखने का समय युवाओं को था, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। जो इतिहास लिखने का कार्य जो है नरेंद्र मोदी जी का है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा लगाता है कोई भी युवा, तो भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, वो राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के जो समर्पण की भावना है उसे जागृत करने की बात करता है। यदि आज कोई भी युवा भारतीय जनता पार्टी की जय बोलता है, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जय नहीं, भारत माता की जय बोलता है, राष्ट्र हित की बात करता है। आज अगर कोई युवा लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो वो केवल लोगों को जोड़ने का काम नहीं करता, वो पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की आने वाली सरकार है, जो निश्चित तौर पर भारत के आने वाले दिन में विकास को लेकर और भारत के जो UCC जो भी योजना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जीती है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ेगा। प्रचंड बहुमत से जीते हैं, तो प्रचंड से जीते हैं राठिया जी जी, और उनका नाम रखा गया माने उनका दिलीप सिंह जुदेव के नाम से एकदम रहा कि सब की उनका मोच कहाँ रहा। राठिया जी को बहुत बहुमत हुआ, अच्छी बात है। 2,40,000 से जीते हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ में नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक मोह तो ऐसे ही है, मोह तो रहेगा ही, मोह तो दिलीप सिंह का जुदेव का शान है। तो ये लीजिए, लड्डू बांट रहे दीपू जी। दीपू जी क्या कहना है? बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है ये, और हमें यूपी की थोड़ा सा हमें निराशाजनक किया है, लेकिन भी हम जीते हैं जी। जी चाचा कुछ बोलना चाहेंगे जीत की खुशी में? हम ये बोलेंगे कि हम 87 से हम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, अरे बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम लोग का बहुत धूप छांव आया अजीत जोगी के टाइम, लेकिन हम लोग हिले नहीं। अच्छा, हाँ इसी जगह हुआ, हम लोग हिले नहीं और जय जुदेव का नारा दिए और आगे भी जय जुदेव चलेगा। जय जुदेव, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी को भी बधाई है। हाँ, मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई देता हूँ, और मैं राठिया जी को भी बधाई देता हूँ। राठिया जी 2,40,000 मतों के अधिक से जीते हैं वो, और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने जी जान लगाकर हमारे
छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पर हम लोगों का सबसे अधिक वोट मिला है, जो मुझे अभी तक की जहाँ तक जानकारी है। वो पहला तो शायद रायपुर है, फिर दुर्ग है, फिर अपना जसपुर है। तो मैं जय जुदेव का नारा लगाते हुए दिलीप सिंह जुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी, हमारा जसपुर हमेशा कमलमय बनते रहे, हमेशा खिलते रहे, मैं यही कामना करता हूँ। जी जी, यहाँ पे संतोष जी, संतोष जी क्या बोलना चाहेंगे? आप अध्यक्ष हैं मंडल के, तो क्या बोलना है जी? बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी का सरकार जो तीसरी बार विजय हुए हैं, इसलिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके मेहनत से आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी, बहुत मेहनत किए थे लगता है फील्ड में सभी कार्यकर्ता मिलके, सभी कोई आपस में सभी कार्यकर्ता मिलके मेहनत किए थे, जिसके कारण जसपुर विधानसभा से राठिया जी को अच्छे लीड मिला है, विधानसभा से, ताकि हाँ उसके बाद रायगढ़ लोकसभा से तो 2,40,000 से मिला है, इसलिए मैं सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद थे संतोष जी मंडल अध्यक्ष। जी यहाँ पे है रामुनी विधायक जी जसपुर, इनसे बात करना चाहेंगे इस खुशी के मौके में। जी दीदी, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है रायगढ़ लोकसभा से, तो इस खुशी के मौके में देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये चुनाव देश की विकास का चुनाव था और पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से विजय हासिल किए हैं और रायगढ़ लोकसभा में राधे श्याम राठिया जी का बहुत भारी मतों से विजय हुई है और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, इसलिए सभी भारत वासियों को, देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, इसलिए भी शुभकामनाएं। और कुमार साहब के संबंध में दो शब्द। देखिए जसपुर और छत्तीसगढ़ कुमार साहब का सींचा हुआ क्षेत्र है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में उनके मार्गदर्शन में चल के, उनके पदचिन्हों में चल के आज विजय हासिल हुआ है। आज कुमार साहब जहाँ कहीं भी होंगे खुश हो रहे होंगे और सारे लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता मिलके सब भारतीय जनता पार्टी को विजय दिए हैं, सभी मतदाताओं को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी यहाँ पे कृपा शंकर भगत जी है जो जीत की खुशी में दो शब्द। भैया आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे भारतवर्ष में विजय हासिल करके पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और यह सरकार भारत की दशा और दिशा को तय करेगी, यहाँ की गरीबों, किसानों, मजदूरों और पूरे देशवासियों को 2047 तक विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत को बनाएंगे, ऐसा संकल्प के साथ पूरे देशवासियों ने मतदान किया है और प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार की जीत हुई है। समस्त देशवासियों को, समस्त भारतीय जनता पार्टी के जाबाज देवतुल्य कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी यहाँ पे युवा लोग भी हैं तो क्या बोलना चाहेंगे भाई? बहुत बड़ी जीत हुई है, सबसे पहले भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जीत खाली हमारी नहीं है, ये जीत पूरे देश, पूरे भारत की हुई है और तीसरी बार फिर से कमल जीता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और ये पूरे जीत है, पूरे खुशी का माहौल है, पूरा बस स्टैंड में पूरा भीड़ छाई हुई है और पूरा छत्तीसगढ़ पूरे भारी मतों से जीता है, धन्यवाद। और श्रीवास्तव जी हैं, श्रीवास्तव जी जानेंगे जीत की खुशी में दो शब्द। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है कि हमने
इस जीत में प्रत्याशियों ने, आम जनता की जीत है जिन्होंने मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर के उनको पुनः प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित किया है। और इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। अब देश में कुछ समय बाद कांग्रेस का नाम ही नहीं रहेगा, बीजेपी का शासन हमेशा हर चारों तरफ फैल जाएगा। धन्यवाद जी। और इधर संदन जी है पार्षद, तो जीत की खुशी में क्या बोलना चाहेंगे संदन भगत जी? मैं तो जीत की खुशी में इतना खुशी हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत के हासिल किए हैं और पूरा जनता उसके लिए बहुत खुश है। पूरा खुशी के माहौल, पूरा प्रदेश से लेकर पूरा देश का लोग भी पूरा खुशी के माहौल छाया हुआ है। आज हमारे जसपुर में भी तीनों विधानसभा में प्रचंड बहुमत से हम लोग का राधेश्याम राठिया जी का बहुमत से मिला है और जीत हासिल हुआ है। और जितने भी हम लोग के जमाज कार्यकर्ता सियान बुजुर्ग माता पिता भाई बंधु लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और पार्टी का सभी कार्यकर्ता और हमारे मीडिया प्रभारी मीडिया भाई सरोज भाई और आप लोगों को भी मैं मोदी की तरफ से और देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। और चौरसिया जी हैं, चौरसिया जी जाने के खुशी के माहौल में दो शब्द। राठिया जी, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किए हैं, सभी देशवासियों को इस जनादेश की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ। हम जनता का जो हमें आदेश मिला है इस चुनाव में, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जिनके पास नंबर है ये तो अंकों का खेल है, जिसके पास 272 है वो सरकार बनाता है। और आज मतगणना के बाद हमें जो जनादेश जनता ने दिया है, हम उसे सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। 272 का गेम है, 272 जिसके पास है सरकार उसी की बनती है। इंडिया की बन रही है ना सरकार? जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत की बागडोर संभालने जा रहे हैं और प्रदेश में भी आज छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड मतों से विजय हासिल की है। इसके लिए मैं प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। रायगढ़ लोकसभा सीट से हमारा जो लक्ष्य था 2 लाख से ऊपर से जिताने का, उसे हमने पूरा भी करके दिखाया है। राठिया जी आज 2 लाख से ऊपर मतों से विजय प्राप्त हुए हैं और निर्वाचित हुए हैं जी। जी धन्यवाद चौरसिया जी। दो बोलो, चलो बोल जी, क्या कहना चाहते हो? वोट दिले? हाँ देख ले, अभी लग रहा है। चलो बताओ। मैं जसपुर का वासी हूँ, एकदम एक नंबर खुश हूँ। जय जुदेव। जय जुदेव। नहीं चल ठीक है।